फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र का है, जहां देर रात्रि इमरान पुत्र गुलफाम निवासी काशीराम कॉलोनी बन्ना अपना ऑटो लेकर दीपक चौराहे पर खड़ा था। तभी दो युवक आए और गांव प्रतापपुर जाने के लिए 80 रुपये में ऑटो को बुक किया। ऑटो प्रतापपुर की पुलिया के पास पहुंचा, तभी ऑटो में बैठे दोनों व्यक्तियों ने इमरान के साथ जमकर मारपीट की और उसको ऑटो से उतारकर खेत में फेंक दिया और ऑटो लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित टूंडला के सुभाष चौराहे पहुंचा, जहां उसने पुलिस को घटना से संबंध में जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। नाम आपका? इमरान। इमरान, क्या घटना हुई, पूरी बात बताओ, कहां से टम्बू ले गए थे? स्टेशन से जो दीपा का चौराया है, वहां से मैं टम्बू कह रहे थे कि मेरे को वहाँ छोड़ जाओ पत्तापुर, पत्तापुर में मना कर रहा था उनसे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझसे कही चल मेरे को पत्तापुर छोड़िए, चलो कोई बात नहीं मैं छोड़ जाऊंगा आपको, लेकिन मैं छोड़ने गया। जैसे ही लोगों को मैंने पुलिया पे मम्मी को बता रहा, उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और जाने के खेत में से यहाँ क्या निकालने गए थे पता नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारा मुझे, मैं अपनी जान चुका के वहाँ से भाग रहा हूँ। तो क्या छीन ले गए आपसे? ऑटो। अच्छा, तो आप डेली रात में ही ऑटो चलाते हैं? हाँ जी सर, मैंने आधार कार्ड भी जमा है इस जगह पे। अच्छा, तो वो कितने लोग थे और लड़के थे सर? कितने रुपए में तय किया था? 80 रुपए में करा था सर। तो इसकी शिकायत अभी पुलिस से की है? मैं वहाँ पे दो हवलदार बैठे हुए थे, उनसे मैंने की तो उन्होंने यूँ कह दी कि आप वहाँ जाओ बचोगरा, तो फिर एक गाड़ी मिली तो उन्होंने उसमें डलवाया, उन्होंने वहाँ पे सिकरारी बम्बे पे उतार के मुझे छोड़ दिया, मैं वहाँ से पैदल पैदल आया हूँ।